कैसे है? क्यों बच्चों नींद आ रही बेटा? पानी पी रहा? ये हम सभी खेल खेलते हैं तो खेल में हमने देखा होगा किसी किस चीज का यूज करते हैं, तो हम ये बताइए बच्चों ये किस खेल से संबंधित है, क्या खेलते हैं हम उसके साथ खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। बहुत अच्छा बेटे ने बहुत अच्छा बताया। तो हम आज क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट एक खेल है तो हमारे देश का अच्छा खेल है, तो हम उस खेल के बारे में बात करते हैं। एक बच्चा था 12 वर्ष का, एक बच्चा था। एक दिन वह बच्चा इस तरह से उदास बैठा हुआ था। फोटो में दिख रहा है उदासी सब दिख जाती है ना फोटो में, कोई खुश है तो वो भी दिख जाता है, उदास है तो वो भी दिख जाता है। इस तरह से एक बच्चा उदास बैठा हुआ था एक किनारे पर सड़क पे। तो वहाँ पर जब हम उदास बैठे होते हैं तो कोई ना कोई आकर के उनसे पूछता है कि उदास क्यों बैठे हो, तो उसी समय उनका एक साथ का विनोद, उस बच्चे का साथ विनोद आकर के उससे पूछता है कि आप उदास क्यों बैठे हो। तो उस बच्चे ने उनसे कहा कि मैं उदास इसलिए बैठा हूँ कि मुझे मेरे गुरु आचार्य का सर, उनके गुरु थे आचार्य का, उन्होंने उस बच्चे से ये कहा था कि आप प्रतिदिन क्रिकेट के मैदान पर जाकर के प्रैक्टिस किया करो, मुझे क्रिकेट खेलना करो। लेकिन एक दिन मेरे स्कूल के बच्चों का क्रिकेट था तो मैं मैच देखने के लिए चला गया और प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गया। इतफाक से वहाँ पर जो गुरु थे वो उस मैच को करा रहे थे। मैच समाप्त होने के बाद जब वो बच्चे ने देखा गुरु को और वो जाकर के उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और उनके पैर छुए, तो गुरु ने ये देख लिया कि इस समय उस बच्चे को मैदान पर होना चाहिए था लेकिन वो दूसरा मैच देखने के लिए आ गया। तो उन्हें ये मालूम हो गया था कि उस बच्चे ने क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे पूछा कि आज तुमने कितने रन बनाए इस मैदान पर प्रैक्टिस के समय? तो बच्चा जो नहीं बोला उसने कहता कि सर मैं आज मैदान पर नहीं बना। जो उन्होंने अपनी बात कही तो उन्होंने उनको थप्पड़ लगा दिया और उन्होंने उस बच्चे से कहा कि तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर? उस बच्चे ने कहा मैं अपने साथियों के लिए तालियां बजा रहा था जो बच्चे खेल रहे थे। तो उनके जो गुरु थे आचार्य कर सर, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम खेलो और बाकी लोग तालियां बजाएं, कि तुम्हें ऐसी प्रैक्टिस करनी है, इतना अभ्यास करना है ताकि तुम अपना खेल निकाल सको और दूसरे बच्चे बाहर बैठ करके तालियां बजाएं। उस दिन की बात और विनोद से उन्होंने ये बात बताया। उसके बाद अगले दिन वो जो मैदान पर पहुँचा वो बच्चा, तो वहाँ पर उनके गुरु मिले और उन गुरु ने उनको पहले दिन तो डांटा था और दूसरे दिन उनको क्या किया कि हम आप आज आपको ये कहते हैं कि का एक स्टम्प है और जब उस पर उन्होंने एक सिक्का रख दिया, उस पर सिक्का रख दिया, उस बच्चे से कहा कि तुम खेलोगे हम स्टंप पर सिक्का रख देंगे, बॉलर गेंद फेंकेगा, यदि आप आउट नहीं हुए तो ये सिक्का आपका और यदि आउट कर दिए उस बच्चे ने तो उसका। तो उस थप्पड़ के बाद उस बच्चे ने ये गांठ बांध लिया था कि मुझे मेहनत से खेलना है और वो बहुत अच्छे से खेलता था और उसने खेलते हुए अपने गुरु से 14 सिक्के उस समय प्राप्त हुए। इतने सिक्के हम प्राप्त किए, 14 सिक्के उन्होंने प्राप्त किए, 14 बार वो नॉट आउट रहा। उस बच्चे का नाम था सचिन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर आगे बढ़ चलकर के उसके बाद उन्होंने उस दिन के बाद जो प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की और उन्होंने पहले जो लकड़ी के छोटे बैट से खेलते थे उसके बाद वो इस तरह से प्रैक्टिस करने लगे। अब कुछ दिन बाद उनका जो गुरु ने उनको सिखाया था कि निरंतर अभ्यास से ही हमें सफलता प्राप्त होती है और हमारा किसी भी कार्य में भाग आता है, बाद में वह बच्चा इस तरह के ड्रेस में आ गया। इस तरह के ड्रेस खिलाड़ी पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो मैदान पर लोग खेलते हैं तो उनको खिंचाव न हो, यदि हम टी शर्ट पहनेंगे, जीन शर्ट पहनेंगे या शर्ट पहनेंगे तो उसमें इनको गिरेंगे, देखिए उनके खिलाड़ी खेलते हैं तो उनको जो उनका शरीर है उसमें चोट न लगे और ये कॉन्सिक्वेंस भी होता है, ये भी हो जाता है, इसलिए इस तरह के ड्रेस पहनते हैं। तो उस बच्चे ने निरंतर अभ्यास करते हुए उसके बाद बच्चा इतना बढ़िया खेलते चले गए। एक दिन एक मैच में वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रैड होप के नाम के बॉलर थे, वो उनके अभी बॉलिंग कर रहे थे तो उस पर उन्होंने उनको आउट कर दिया, उन्होंने खिलाड़ी थे। तो सचिन तेंदुलकर के पास वो अपने दिन बॉल लेकर के गए कि आप इस पर आउट दे दीजिए, इस पर लिख दीजिए, अपने सिग्नेचर दे दीजिए। सचिन तेंदुलकर ने उस पर लिखा कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आया, मतलब कि आप मुझे दोबारा आउट नहीं कर सकोगे, क्यों? क्योंकि उन्हें दृढ़ संकल्प था, उन्हें पक्का पता था कि मैं आज के बाद और अच्छे से खेलूंगा और अपने देश का भी नाम रोशन करूंगा। और कुछ दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत मैच में लेकिन ब्रैड हॉक सचिन तेंदुलकर को कभी भी आउट नहीं कर पाए। तो हमें भी ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए
तेंदुलकर को भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से मिला था। जब भारत रत्न उनको दिया गया तो सचिन तेंदुलकर की आंखों में आंसू थे और उन्होंने सबसे पहले उसी गुरु को याद किया जिससे उनको एक थप्पड़ लगा कर ये कहा था कि निरंतर अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है, हम हमेशा अभ्यास करते रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने सबसे पहले वो पुरस्कार था अपने गुरु ही पाछे कर देते हैं। तो जो गुरु डांटते हैं तो अच्छे के लिए भी डांटते हैं, गुरु किसके डांटते हैं अच्छे के लिए भी डांटते हैं। और सचिन तेंदुलकर आप सबके लिए ये मैसेज है सचिन तेंदुलकर का कि अपने सपनों का पीछा करो, सपने सच होते हैं। यानी आपको जो भी बनना है, आपको जो भी बनना है उसके लिए सोचिए, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, खेल में जाना है, तो जिस खेल में भी आप रुचि रखते हैं उसके लिए प्रतिदिन आप प्रैक्टिस कीजिए। विद्यालय में भी सामान मौजूद है और घर पर भी आपके मम्मी पापा उपलब्ध करा देंगे।